ये महिला क्लीनिंग स्प्रे लेकर फर्श को साफ करने के लिए अपने रोबोट को कहती है, जिससे ये रोबोट ऑफेंड हो जाता है। उसके बाद रोबोट एक तीव्र ज्वलनशील केमिकल बनाता है। बाद में वह नैनी के पास जाकर उसके हाथ में वो स्प्रे कर देता है, जिससे उसे जलन होने लगती है। बाद में वह उसके फेस पर भी स्प्रे कर देता है। वह पूरी बोतल को नैनी के फेस पर डाल देता है, जिससे नैनी का पूरा फेस बिगड़ जाता है। लेकिन ये रोबोट अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ होता। वो एक आयरन को उठाकर उनके फेस पर दे मारता है, जिससे नैनी की मौत हो जाती है। बाद में वो नैनी की बॉडी को एक लेक में जाकर फेंक देता है। जब नैनी का परिवार वापस आता है तो रोबोट अपना रेजिग्नेशन उनके हाथ में थमा देता है और कहता है कि नैनी यहाँ से चली गई है। फैमिली अल्फा की बातों पर यकीन कर लेती है, मगर उसे पता नहीं होता कि इस रोबोट में अब ह्यूमन कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है। एक दिन ये आदमी इस रोबोट को एक सुपरमार्केट ले जाता है, जहाँ पर एक और आदमी अपने रोबोट के साथ आया हुआ होता है। दोनों आदमी अपने अपने रोबोट्स का शो ऑफ करने लगते हैं। तभी ये आदमी अल्फा को अपनी बियर बोतल को खोलने के लिए देता है, मगर अल्फा वहाँ पर गुस्सा होकर उस बोतल को तोड़ देता है और यहाँ से चला जाता है, जिससे बूढ़ा अल्फा को बुरी तरह से डांटता है। वो उसके फेस पर एक थप्पड़ दे देता है और कहता है कि तुम एक स्टूपिड रोबोट हो, तुम्हारी क्या ही